ओहो, इसका मज़ा कुछ अलग ही रहता है। गर्मियों में तो वो ज़्यादा होते ना, गर्मी में होते हैं आजकल। जब पैदल मार्ग आते हैं यहाँ से तो बहुत ही मज़ा आता है इनको खाने में, और बहुत ही मीठे होते हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे रास्ते में काफ़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और भी आगे जाना है बस्ती वाले रोड, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जाना, तो देख सकते हैं इस पुल से ठीक आगे बस्ती, और ये सड़क जाती है आगे अगस्त मुनि, और हमें जाना है इस सड़क से, तो देख सकते हैं। और मैं अभी आपको दिखाता थोड़ा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम सौरभ चौहान और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल केदार घाटी की इन खूबसूरत वादियों से। होप आप लोग बड़े होंगे, मैं बड़े हूँ। तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब हो गया मतलब एक दो माउंथ बाद ही कर रहा हूँ। तो वैसे तो ब्लॉग तो पढ़ते हैं चैनल पर बस वैसे, और ये ब्लॉग आज का कुछ खास बनने वाला है। और आज यहाँ से जा रहा हूँ मैं अगस्त मुनि मेरा काम है, तो वहीं से मैं दी के यहाँ जाऊँगा। तो पहले दी के यहाँ जाऊँगा फिर अगस्त मुनि, तो अगस्त मुनि तक कुछ काम है। तो आज देखते हैं आज का ब्लॉग कहाँ तक बनता है। और आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको अपने गांव का पैदल मार्ग, पहले कैसे लोग पैदल मार्ग जाते थे, और आजकल तो गाड़ियाँ नहीं है वैसे, तो पैदल ही जाना पड़ता है। तो आजकल आपको पता होगा केदारनाथ यात्रा खुल रखी है, सब गाड़ियाँ वहीं लगी है। तो अभी हूँ मैं अपने छत पर, तो आप देख सकते हो, और ब्लॉग का बने रहिए, देखिए आज का ब्लॉग और हमारा ब्लॉग कहाँ से कहाँ चले जाता है तो आपको पता होगा। और यहाँ से मैं जाऊँगा अपनी दादी के साथ, दादी बिहारी मार्केट तक। तो और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो गांव का कुछ इस तरह सा। तो चलो दादी भी तैयार हो गई, देख लो तैयार, तो हमारे दादी जी भी हो गई तैयार। तो चलो तो अभी देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल कोई नहीं मिलेगा आपको घर में। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं सब चले गए अपने अपने काम पे, तो सुनसान है। गेहूँ, आजकल गेहूँ का सीजन चल रहा है, तो आजकल गेहूँ कटाई मनाई होती है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो आप, आट के ऐसे मुट्ठी बनाई जाती है, फिर उसको काटा जाता है, फिर उसको कूटा जाता है, और उसके बाद इसको वो किया जाता है। तो यहाँ से जाना सीधा नीचे नीचे नीचे, वहां से पैदल दिखाते आपको हल सुनना सुन। भाई साहब यहाँ से जाना हमने पैदल मार ठीक नीचे तक। तो आजकल देख सकते हो मंडुआ बो रखा है, तो आप देख सकते हो पूरा खेत यहाँ से ऊपर तक, और यहाँ से गांव का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो क्या ही बोले दोस्तों, क्या ही बोले, टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ तो थोड़ा हो रहा है मतलब बोलने में वो, तो क्या बोलना। और यहाँ से और सामने जंगल देख सकते हो ठीक आगे आगे आगे, और पैदल जाने में क्या ही बोलना, मतलब बहुत भयंकर हो रहा है। आजकल काफ़ी टाइम बाद मार्केट जा रहा हूँ वैसे तो आप बैग देख सकते हो काफ़ी भारी है, और यहाँ से पैदल जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि रास्ते थोड़ा गड़बड़ से है, मतलब रास्ते ठीक नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे तो ज़्यादा ही है खराब। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से रास्ते, और हमने जाना ठीक नीचे, वो घर दिख रहे होगा आप उससे भी नीचे, और यहाँ से आप देख सकते हो वैसे तो उतना दूर भी नहीं है, मतलब पैदल उतना दूर भी नहीं है, बट ये है कि आजकल थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा पैदल जाने में वो हो रहा है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो यहाँ से जाना हमने टूट 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 ठीक नहीं। यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल दिखाते हैं, यह हिसुल देख सकते हो आप, ओहो इसका मज़ा कुछ अलग ही रहता है। गर्मियों में तो वो ज़्यादा होते ना, गर्मी में होते हैं आजकल। जब पैदल मार्ग आते हैं यहाँ से तो बहुत ही मज़ा आता है इनको खाने में, और बहुत ही मीठे होते हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे रास्ते में काफ़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और भी आ रहा चाचा लोग ऊपर से, सबको बुखार आ गया आजकल गांव में, सब बीमार हो के। ओ भाई, और दादी जी तो वहाँ पे कर रहे हैं उनका वेट। तो यहाँ से जाना मैंने सीधा यहाँ से
तो आजकल देख सकते हो आप खेतों में फिर से लगे लोग अपने अपने काम पे, धान ये होता है मतलब, तो आप देख सकते हो कोई मैया लगा रहा है, और नीचे पे आप देख सकते हो इस तरह से लगाया जाता है मैया, तो काफ़ी काम होते हैं पहाड़ों में, ऐसा कोई बात नहीं है। और अभी आ गया मैं काफी नीचे, यहाँ पे थोड़ा बैठने के लिए है, और जो मेरे साथ के थे वो दूसरे रास्ते चले गए, उन्होंने मेरे को धोखा दिया, तो कोई नहीं दूसरे रास्ते चले गए। मैं थोड़ा आगे निकल गया तो आगे सड़क से है, तो वहाँ से भी जाने के लिए है, तो वहाँ से छाँव छाँव मतलब जंगल का रास्ता, वो दूसरे वाले ब्लॉक में आपने देखा होगा, तो पहले वाले ब्लॉक में। तो अभी मैं काफ़ी नीचे आ गया, और यहाँ तक हमारे गाँव के खेत है, आप विश्वास नहीं करेंगे, तो यहाँ तक पूरे खेत हमारे गाँव के हैं, और काफ़ी नीचे आ गए। यहाँ पर भी कुछ घर है, और ये वाली पट्टी अब यहाँ से लगता है साकरी गांव, तो चलो। और यहाँ पे से मिल गई मेरे को बाइक, तो यहाँ पे से मैं बाइक में जाऊँगा, तो आप ब्लॉग पे बने रहिए और देखिए आगे ब्लॉग, तो चलो। तो अभी पहुंच गए मैं गुप्तकाशी मार्केट, तो आप देख सकते हैं गुप्तकाशी मार्केट आजकल, तो यात्रा सीजन के चलते हुए आजकल सब लगे हैं अपने अपने धंधे में, तो आप देख सकते हो। और अब देखता हूं मैं यहां से गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती, तो मिलना तो वैसे मुश्किल लग रहा मेरे को, तो चलो। और यहां से बैठ गया मैं बस में, तो देख सकते हैं ये है यात्रियों की बस, सब यात्री है इसमें, बस एक दो होंगे लोकल, तो इनको भी लगा कि कहीं दूर तक जाना मैंने, तो इसने रुका दिया, तो इसको पता क्या पता मैं बांसवाड़ा तक था, तो चलो ये सफ़र कुछ आगे तक देखते हैं आप आगे क्या क्या होता है ब्लॉक में, तो चलो चलते हैं। आज की बस की सवारी, और अभी आ गया मैं काकड़ा गार्ड, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रुक रखी है बस, मतलब गुप्तकाशी से मैं इस बस में आया, यात्रियों की बस है ये, और आजकल गाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है, आजकल गाड़ी मिलना बहुत ही टफ है, टफ क्या कि बहुत ही टफ, मतलब आजकल सीजन चल रहा है तो केदारनाथ यात्रा, तो लोकलों को गाड़ी मिलना बहुत ही टफ है, तो यहाँ से अभी रुक रखे हैं हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हो सब यात्रा है उसमें, बस एक दो है लोकल होंगे एक दो, तो मैं भी घुस गया उस बस में, तो चलो अभी वो थोड़ा खाना खा रहे कुछ ऐसा, चलो। तो आप देख सकते हैं गाड़ियां लगातार ऊपर नीचे आपको, तो चलो इस टाइम तो यात्रा काफी तगड़ी चल रही, तगड़ी जिसको बोल रहे तगड़ी वाली, तो गाड़ियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो चलो। और अभी पहुंच गया मैं बांसवाड़ा मार्केट में, जो यहाँ पे से और गाड़ी जो यहाँ पे से लगते हैं दी के आंख की, तो ये है बांसवाड़ा मार्केट आपका छोटा सा मार्केट, और यहाँ से जाना है बस्ती वाले रोड, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जाना, तो देख सकते हैं इस पुल से ठीक आगे बस्ती, और ये सड़क जाती है आगे अगस्त मुनि, और हमें जाना है इस सड़क से, तो देख सकते हैं। और मैं अभी आपको दिखाता थोड़ा बांसवाड़ा मार्केट कितना छोटा सा मार्केट है, बट यह है कि एक होटल यहाँ पे है, फर्स्ट होटल सा जो बस आगे तक यही आगे पे तक है, बस छोटा सा मार्केट है, पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था, तो आगे पे तक। और अब चलते हैं हम गाड़ी, यहाँ पे लगती गाड़ी, अभी तो गाड़ी लगी नहीं है, तो देखते हैं कब तक आती है, तो चलो मिलते हैं आपको ठीक आगे, ओके।
फाइनली पहुंच गया मैं बस्ती गांव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है बस्ती गांव। तो पहले वाले ब्लॉक में मैंने आपको दिखाया था और यहीं पर तक, और यहाँ पे से जाऊंगा मैं ऊपर। तो चलो इस ब्लॉक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉक के साथ। तब तक ओके बाय बाय। ओके बाय 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 बाय।